ये साइड का नजारा देख सकते हैं यार गाइस, ऑसम यार। तो गाइस अभी देख सकते हो स्लीपर मिल गया ना, अभी सो के जाएंगे यार 2 बजे तक। उसका चेन भी टूटा दिया है वो देखो, क्या मौसम यार, बाप रे बारिश। चैनल तो गाइस फिर से आ चुका हूँ एक और न्यू ब्लॉग लेके। तो गाइस बहुत दिन के बाद मैं फिर एक ब्लॉग बनाने के लिए आया हूँ और देख सकते हो भाई, और मैं आज फिर से जा रहा हूँ विश्वनाथ चराली आज कुछ काम के लिए। तो भाई स्कूटी लेके आ रहा है और मुझे स्टेशन छोड़ने जा रहा है, तो लेट्स गो गाइस, देखते हैं बहुत दिन के बाद में कैसा होता है ब्लॉग आज का और क्या क्या देखने मिलेगा आप लोग को रास्ता में। और ट्रेन से जा रहा है तो गाइस सभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, और हम लोग का गाँव का कुछ नज़ारा ऐसे देखने मिलेगा आप लोग को। देखिए पूरा बस्ती में जंगल है ना, ये साइड में घर, एक एक घर बहुत दूर दूर में है ना, सामने में नहीं है ना। देखिए रोड तो हम लोग का एकदम परफेक्ट है, और जा रहा है स्टेशन जाके मिलते फिर आप लोग से। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं स्टेशन पर, देख सकते हो यहाँ पर मैं और मेरा भाई, पीछे में ऑटो और स्कूटी तो वहाँ पर रख दिया है। देखो ये साइड से जाना पड़ेगा अभी फिलहाल, जब इतना सीढ़ी क्या उठना है, ऐसा करके राउंड होके जाना पड़ेगा। तो गाइस देखते रहिए बस, ऊपर जाके आप लोगों को व्यू भी बढ़िया वाला दिखाने वाला हो, क्योंकि बहुत दिन के बाद में मैंने वीडियो बनाया ना, तो ये वजह से भी मतलब कुछ अलग सा सीन होने वाला है आज गाइस। तो चलिए तो गाइस फाइनली हम लोग ऊपर में आ चुका है, देख सकते हैं RC पता रही है भाई, ये साइड का नज़ारा देख सकते हो यार गाइस, ऑसम यार। पीछे का बैकग्राउंड तो व्यू तो देखो आप लोग, क्या बढ़िया दिखाई दे रहा है ना, ये सब पूरा ये ट्रेन का पटरी और वो साइड से पहाड़ का पूरा राउंड, और ये साइड में भी देख सकते हो। अच्छा अरे काफ़ी सुंदर है ना पूरा दिखाई देने के लिए, तो वाह। ये साइड में नदी है छोटा सा एक, और देखो ये साइड का व्यू ही अलग है ना गाइस यार, हम लोग का जगह ही अलग है पूरा, आप लोग आने से ना देखते रह जाओगे यार, लेकिन है ब्रो ऐसा बढ़िया जगह है ना। देखो तो यहाँ पर नदी खेती है पूरा, पहाड़ का नज़ारा, मौसम भी आज पूरा खुला है ना, सफा है पूरा, सब हरा हरा देख सकते हो यहाँ पर। तो गाइस अभी तक तो ट्रेन नहीं आया, ट्रेन वेट कर रहे हैं पूरा आदमी लोग, देख सकते हो पूरा भीड़ है ना इस साइड में, और सबसे ज़्यादा तो स्टूडेंट लोग है क्योंकि फ्री में जा सकता है यही वजह से, और सामने वाला तो सब ट्रेन में जाने के लिए आएगा ना क्योंकि ज़्यादा पैसा जाएगा बोल के। एक बार ये भाई मोबाइल से शूट कर रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं आप लोग से ट्रेन आने के बाद में। तो गाइस फाइनली आ चुका है देख सकते हो ट्रेन, ओ भाई जाता ला। तो गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं देख सकते हो यार, खाली खाली जगह कहाँ पर है वो देखना पड़ेगा। यहाँ से उठना पड़ेगा अभी, तो देखो तो आदमी लोग बाप ये साइड में बहुत आदमी है ना। ला टोपला जाएगा भाई, फिर तब का टोपला रे राजू का टोपला। ऊपर में स्लीपर है, जाना पड़ेगा यार गाइस, सो के चलते हैं यार। तो गाइस अभी देख सकते हो स्लीपर मिल गया ना, अभी सो के जाएंगे यार 2 बजे तक, 2 बजे पहुँचेंगे वहाँ तक, अभी आपका
8:14 ही हो गया। नीचे पे बादाम फ्रेंड नहीं हमें एकदम कूल कूल ठंडा ठंडा हवा। और यहाँ से 2 बजे पहुँचेंगे तो चलते हैं गाइस, अभी सो के चलते हैं। और इसका ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि छोड़ी हो सकता है ना ये तरह से, तो अभी आराम करते हैं। आप लोग से बाद में मिलता हूँ गाइस। फाइनली डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं, देख सकते हो बरगांव इधर देख ही सकते हो, लिखा वाला भी है इस साइड से। अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा मेन रोड, वहाँ से फिर गाड़ी पकड़े फिर निकलना पड़ेगा यार गाइस, बहुत दिक्कत है। ऊपर से देख ही सकते हो धूप इतना ज़्यादा है ना, क्या बोलेगा। अभी गाड़ी कौन सा साइड में मिलेगा वो भी पता नहीं है यार, चलते हैं सबसे पहले। तो गाइस अभी देख सकते हो टॉम टॉम में मैं कल सिग्नल और भैया मेन रोड निकालने का बोला है। मेन रोड निकलने के बाद में और जीजा लेने के लिए आएगा ना, तो वहाँ तक उसके बाद में फिर चलते हैं। फिर हाईवे निकल के फिर चारावली भी जाना है यार गाइस, पूरा काम है मेरा जो काम के लिए है, तो काम बनेगा नहीं जैसा लग रहा है यार, बनेगा जैसा तो नहीं लग रहा है, पर देख लेते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पर माय बैग एंड बादाम। तो गाइस सुबह सुबह ट्रेन पाने के लिए निकला था, देख सकते हो यार बारिश इतना जोर से दे रहा है ना बारिश जो, ठीक है तो उसका चेन भी टूटा दिया है वो देखो। क्या मौसम यार, ओ भाई साहब दिया था यार चोटेंग था, वाह देखो ना गाइस बारिश ऐसा आ रहा है ना। मेरा जीजू है आगे में, जीजू तो पूरा उठ के चला रहा है टम टम, अभी फिलहाल पूरा भीग चुका है ना बारिश ऐसा। हाँ वाह ऐसा मौसम में निकला हूँ ना गाइस, आज फिर रिटर्न घर जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक ही ब्लॉग बना रहा हूँ आने वाला और जाने वाला, इसी वजह से मैंने नहीं डाला था आगे भी ब्लॉग, देख सकते हो यार। अरे मोबाइल तो ले आया था टम टम में बारिश हो सब भीजे रह रहा है। अजर मोबाइल तो सब भीजे, टी शर्ट सब भीजो, लॉन्ग पैंट सब भीजो, ये मत बाजे अहिले यहाँ यहाँनिर चाहिँ यस्तो पानी आयो नि त, उठेर आएको म पनि उभिएर, यहाँ त एउटा खड्को त्यहाँ त यसरी त्यत्रो लामो छ बरसोभि त बाफ्रे बारिस बारिस यार गाइस, ऊपर ऊपर इतना इतना पानी जमा हो गया। ओहो हाल आ गया फाइनली गए, देख ही सकते हो यार यहाँ पर भारतीय रेलवे, ये खाली रहे खाली पचाड़ी जो फुलचा वाला खाली सब जाने वाला भाई हमसे ब्लॉक लागो साला यहाँ से यहाँ बड़ा ये तो खाली जगह धन्यवाद चलता हूँ आता से
गाइस देख सकते हो यार, ट्रेन में अभी लटक रहा हूँ मैं, देख सकते हो साइड में। और देखो यार व्यू यार गाइस, तो सामने में देखो तो ऑसम है ना गाइस, ऑसम यार। ये देखो पानी भी पूरा भर चुका है हमें, देखो तो बैकग्राउंड सीन यार गाइस, पहाड़ का ऑसम। ऊपर में बादल देखो, पहाड़ का ऊपर ऊपर में और नीचे में पहाड़, देखो तो गाइस क्या बढ़िया दिखाई देता है ना। तो गाइस हम लोग अभी गोगा में पहुँच चुके हैं, मैं पहुँच चुका हूँ गोगा में और मैं देख सकती हूँ साइड में, और मेरा और भी दो चार स्टेशन पार करके जाना पड़ेगा, और यहाँ से धेमाजी होगा, धेमाजी से और दो चार है। चलते हैं गाइस अभी ऐसे सिंगल ट्रेन में कोई नहीं है तो बाहर निकल के ऐसे पिक्चर ले रहा हूँ। फाइनली पहुंच चुका है देख सकते हो यार, ट्रेन निकल लिए स्टेशन पर, नो कंजक्शन ये आर शिफ्ट का बाद में लोग पूरा नाम रहना अभी, ये भी बैग बुक किया, बैग बुक के और ये देख सकते हो सामान, और भाई लेने आएगा बोल रहा था, आएगा नहीं आएगा पता नहीं यार, वेट कर रहा हूँ। तो गाइस फाइनली आ चुका है घर में, देख ही सकते हो यार पूरा चेहरा पूरा अलग सा दिखाई दे रहा है। तो गाइस आने के बाद में जस्ट घर में बैठा हूँ मैं, और गाइस आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और पूरा भाई को सपोर्ट कर देना यार, लव यू ऑल।